यूट्यूब फेलोज कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। और नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद दिन में बहुत तपिश है। इस वक्त शाम का मंज़र है और रात में भी अभी भी बाज़ का तलखी महसूस होती है, इतनी ठंडक महसूस नहीं होती। तो नवंबर के महीने में भी ये हाल इस वक्त चल रहा है, सर्दी काफ़ी लेट आ रही है। आज वाइफ ने कुछ घर में काम किया है और करने के बाद वो बहुत थकावट महसूस कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आइए बच्चों की शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो वो एकदम से तैयार हो गई और आइए आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है। ये हुज़ैफ़ा की तैयारी चल रही है, ये शूज़ पहन रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? सैर करने। सैर करने तो नहीं जा रहे हम? हाँ। आपको तो नहीं लेके जाना? सॉक्स तो उतार दे। यहाँ पर तैयारी हो चुकी है बाजार जाने की। जी तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। जुमे का टाइम तो गुजर चुका है, बस अब तो असर हो चुकी हुई है। असर की नमाज़ पढ़ के मेरे मियाँ ने थोड़ा बहुत ना, मैंने कह रही थी कि विंटर आ गया है तो बच्चों के कपड़े चाहिए, क्योंकि ना हर बार कुछ ना कुछ होता है, वो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, वो लेने ही पड़ते हैं। फिर तो मैंने कहा कि मुझे ले जाएं, क्योंकि ना मैं अकेली नहीं जाती, मैं किसी के साथ ही जाती हूँ। पहले अपनी सिस्टर के साथ जाती थी, इस बार मैंने अपने मियाँ को साथ लेके जाना है। तो देखें तो बस वो ना कहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना वहाँ पर, वो बार्गेनिंग करना है, वो ज़रा बंदा तरीके से करता है। शॉपिंग में ना दो होने चाहिए, अकेले बंदे को समझ नहीं आती, दो बंदों की राय होती है ना तो भी बंदा कर लेता है। बच्चों को साथ लेके जाना है, बच्चे तैयार हो चुके हैं, बच्चों को इसलिए साथ लेके जाना है क्योंकि बच्चों की शॉपिंग है, तो फिर उन्हें बंदा साइज कर लेता है, पता लग जाता है। तो चलें जी, सर्दियों को विंटर को करते हैं हेलो और चलते हैं बाजार। ये अच्छा लगा था मुझे। राइमा से ना इंतजार नहीं हो रहा। राइमा राइमा इधर देखो, बनेगी तो देंगे, बनेगी तो दे देंगे। मेयोनीज, ग्रीन चटनी और केचप, और ये मजे की लग रही है। इधर से इसका दूध बॉयल हो रहा है, इधर से ये देखें दो तरफ मैंने ना काम रखा हुआ है, इसलिए एक्टिव होकर रहना पड़ेगा। आज ना मेरा दिल कर रहा था जो दूध नया होता है ना उसकी चाय पीने को, तो ये आज नया दूध आया उससे चाय बनाई है, तो ये इसकी चाय ना ज़्यादा मज़े की बनती है। जी तो फ्रेंड्स, ये चाय मेरी ऊपर आ चुकी है और रहमान ने ना हुज़ैफ़ा को बताया है कि हुज़ैफ़ा तुम्हारी चाय में ना डायनासोर है, ये दूध की मलाई नहीं एक साइड पे आई हुई चाय की है नी, तुम्हारी चाय में ना डायनासोर आ गया बच्चे भी बस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यहां मेरे पापा कपड़े लाए हैं, तो फिर मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूं। ये मेरी अभी फ्रेंड है, हिल भी नहीं रही मैं देख रही हूं, हिल भी नहीं रही। हां हां दिखा दो, दिखाओ। मैं आपको खोल के दिखाती हूं पहले, फिर मैं इसका कलर भी चेंज है। इसके साथ मैं आप चमा भी लाई हूँ, ट्राउजर पैंट है, पैंट भी लाई हूँ। हाँ जल्दी दिखाओ ना, पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसके बाद ये देखते देखते कपड़े इस्त्री हो जाएंगे। ये देखें, ये मैं
साथ पहनती हूँ, ये भी है इसके साथ पहनती हूँ। नहीं पैंट है ना, ऐसे होते हैं, ऐसे रखो ना। ये मैं इनके साथ पहन लूंगी तो इतने प्यारे लगे मुझे, मैं खुश हो जाऊंगी। फिर मैं आपको आपके साथ ये करती हूँ, और ये पहले मैं आपको यहाँ कपड़े दिखाती हूँ, ये वाले खोल के। ये मेरे कपड़े हैं, यहाँ भी मैं लाई थी पहले, तो फिर मैं इसके साथ पैंट लेके गई थी। ये इसकी पैंट है, ये इसकी पैंट है, ये पैंट इसके पास ही है, इसके मामू ने इसको दी हुई है, इसके साथ हम ये बस टॉप लेके आए हैं। तो फिर मैं आपको गला दिखाऊंगी, इसके मैं ये कलर लाई थी इसके साथ, ये वाला वीडियो शेयर करूंगी। बंद करके बंद करती हूँ और तो अगला दिखाती हूँ, इसे मैं तय कर लूं फिर मैं आपको अगला दिखाऊंगी। मैं पहले इधर रखती हूँ उसे, ये आज कल से दो तीन दफा इन्होंने खोल खोल के देखे हैं। तो हुज़ैफ़ा ने तो उधर अपने कपड़ों की दुकान लगाई हुई थी, मैं सोच रही हूँ कि इन कपड़ों को ना कहीं दूर ही रख दिया जाए, नहीं तो हुज़ैफ़ा ने ना कुछ ऐसा कर लेना। इनको मैं तय कर चुकी हूँ और तो बस मैंने इनको माशाल्लाह कितना प्यारा कह रहा है माँ। अगर ये है मेरी शर्ट, ये रायमा की शर्ट है, ये रेड डेस्क, इसके साथ कौन सा चमक दिखाऊं? इसके साथ है वो ब्लैक कलर का ना, वो पहनेंगे। दिखाओ फिर वो भी मुझे। बस ये इसका ना गला प्यारा था, मुझे भी अच्छा लगा ये, ऐसे ना ये मेरे बच्चे ना जरा कमजोर कमजोर से हैं। मैं इससे बड़ा खुश हो गई हूं, इस वजह से मैं ये अच्छा लगा तो मैं ले। ये मेरी चिड़िया, चलो ठीक है ये आपके। ये देखें ये हुज़ैफ़ा अपने कपड़े दिखा रहे हैं, इसकी पैंट है, ये देखिए मैं आप पहनती हूं। अच्छा बस ये ना ये हुज़ैफ़ा आपने दिखाया, मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ, हुज़ैफ़ा बहुत क्या है बैंक बेड से जंप लगा के। अब ये दोनों अपने अपने कपड़े ना यहाँ बेड पे खिला के ना बार बार देख रहे हैं, मैंने उसे कहा हुआ है, मैंने कहा कल पहना दूंगी, अब देखना कल ये नए कपड़े पहनेगा नहीं तो नहीं पहनेगा। बाजार से हम वापस आ चुके थे चाय वगैरह पीने के बाद फ्रेश होके, तो मैं कपड़े ना जैसे ही बाजार से आती हूँ ना, मेरा एक है मसला, जब तक घर आके तीन चार दफा ना तो देखूँ मज़ा नहीं आता। वैसे ना मेरी अम्मी भी कहती होती थी, अम्मी चले अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दे, वो कहती थी जदों तक कपड़ा एक बारी दोबारा वापस नहीं ना आता इनू कपड़ा पसंद नहीं आता। तो मैं बस ये हुज़ैफ़ा के लिए लेके आई थी, एक ये शर्ट है, ये हुज़ैफ़ा ने ना अपने खुद बखेर बखेर के चेक कर रहा बार बार, बस ना मुझे बस बच्चों से मसला है कि मुझे कलर लाइट लाइट अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं लेकिन ना बच्चे गंदे बहुत कर लेते हैं फिर वो ना नीट नहीं लगते। एक मैं ये लेके आई हूँ, एक मुझे ये अच्छी लगी थी, ये ज़रा लाइट कलर की है, मैंने कहा चलो ठीक है। और ना और ये मेरी मोस्ट फेवरेट पैंट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस तरह की ना चेक्स वाली पैंटें, लाइनों वाली पैंटें या शर्ट मुझे बहुत पसंद है। और एक इसकी ये शर्ट लेके आए थे, ये सिर्फ खुद पसंद की है और सारी ये मॉन्स्टर वाली शर्ट इसको चाहिए थी, ये लेके आए हैं। और ये इसकी बेल्ट, ये ज़रूर ही चाहिए थी क्योंकि ना लोगों के बच्चे मोटे हो जाते हैं, मेरे बच्चे कमज़ोर हुए होते ना, पेंट है ना बेल्ट के बगैर नहीं चल सकती। बस यही मैंने ख़रीदा, कुछ थोड़े बहुत कपड़े थे घर के लिए ही मैंने लिए हैं, बाकी अभी और अभी तो मौसम शुरू है लेते रहेंगे। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हाँ और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, और प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू अल्लाह।